जनपद हरदोई में तीसरे चरण के मतदान के लिए हरदोई में आज 1353 होमगार्डों के जवानों को पीलीभीत के लिए रवाना किया गया। वहीं इसके लिए शहर के आरआर इंटर कॉलेज में जिला कमांडेंट होमगार्ड राघवेंद्र शुक्ला ने जवानों को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व उत्तराखंड में हमारे जवानों ने सकुशल चुनाव सम्पन्न कराया, साथ ही लोकतंत्र के इस महापर्व में जवानों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शिवम यादव की रिपोर्ट, हरदोई। जनपद हरदोई में गायत्री परिवार के अतुल कपूर ने अपनी टीम के साथ गायत्री विधि से संपन्न कराए 48 विवाह व शहर काजी से संपन्न कराए 3 निकाह, जिसमें सभी जोड़ों ने साथ मरने जीने की खाई कस्में। हरदोई का घंटाघर बना 51 सामूहिक विवाह का गवाह, जिसमें गरीब तबके के लोगों की लड़की लड़कों की शादी कराकर उन्हें साथ जीने मरने की कस्में खिलाई गयी। वही सभी 51 विवाह संपन्न होने के बाद लड़की को दहेज के साथ विदा किया गया। इसमें खास बात ये रही कि जिला निर्वाचन अधिकारी की मुहिम हरदोई की बढ़ाए शान। 29 अप्रैल को करीब मतदान को ध्यान में रखते हुए वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट और मतदान के सभी लड़के व लड़की, उनके घर वालों को लगे पोस्टर के माध्यम से जागरूक किया गया और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई। जनपद फतेहपुर में दिनांक 18 अप्रैल को थाना थरियाओं से उप निरीक्षक श्री अश्विनी कुमार सिंह द्वारा अभियुक्त श्याम सिंह लोधी पुत्र रामलाल निवासी शंकरपुर मजरा हसवा थाना थरियाओं जनपद फतेहपुर के कब्जे से 22 पौवा शीशी देसी शराब बरामद किया गया। थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 8919 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। वही दिनांक 19 अप्रैल को थाना कल्याणपुर से उप निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार द्वारा अभियुक्त रमेश पुत्र राम प्रसाद निवासी लाखिरी बिल्डिंग चौटगरा थाना कल्याण के कब्जे से 22 शीशी देसी शराब नाजायज बरामद किया गया। वहीं थाना पर मुकदमा संख्या 9419 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर। कायमगंज में भारतीय जनता पार्टी की महिला टीम छोटी चिलौली में जनसंपर्क करती हुई, जिसमें महिला मोर्चा की अध्यक्ष उर्मिला सिंह, उपाध्यक्ष प्रिया गुप्ता, अनुराधा दुबे, विमला गुप्ता, मंजू अग्रवाल, अनीता गंगवार, सरोज राठौर, रानी कश्यप, स्नेह अग्रवाल उपस्थित रही। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अनूप सिंह की रिपोर्ट, कायमगंज, फरुखाबाद। अम्बेडकर नगर में पटेल डीजे प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड अकबरपुर बीड़ी नंबर 72 की तरफ से कर्मचारियों ने दो दुकानदारों से नकली बीड़ी बरामद किया। आपको बता दें कि बीड़ी नंबर 72 के कर्मचारियों ने व्यापारी के दुकान पर गए, जिस दौरान रामपुर भगत थाना तारून फैजाबाद के व्यापारी विश्वास किराना स्टोर तथा जलालपुर चौराहा स्थित चीनी रोड की दुकान पर से दो दुकानदारों से भारी मात्रा में नकली बीड़ी नंबर 72 बरामद किया गया और दोनों दुकानदारों ने अपना जुर्म कबूल किया और मीडिया के सामने बयान दिया कि नकली बीड़ी नंबर 72 नहीं बेचेंगे और कंपनी जो कहेगी वही मान्य होगा। रोल मैं विजय ट्रेडर से बीड़ी खरीदूंगा, अन्यथा किसी से नहीं खरीदूंगा और जो बाहर वाले कंपनी मतलब जो डीलर आएंगे उससे लोकल बीड़ी देंगे उससे मैं आपको पकड़वाऊंगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दुर्गेश कुमार की रिपोर्ट, अम्बेडकर नगर। जनपद फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी और बसपा रालोद के गठबंधन प्रत्याशी अक्षय यादव के समर्थन में आज मक्खनपुर के बिल्टीगढ़ मैदान में सुबह 10 बजे से ही जनसभा होगी। इसमें सपा और बसपा सुप्रीमो के साथ ही रालोद के जयंत चौधरी भी अलग अलग हेलीकॉप्टरों से आएंगे। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। वही इस बारे में बातचीत पर लोकसभा प्रत्याशी अक्षय यादव ने बताया कि तैयारियां पूर्ण हैं, इसके लिए पंडाल बन रहा था जो कि अब तैयार है। उन्होंने बताया कि जनसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो माया अलग अलग हेलीकॉप्टरों से आएंगे, रालोद के जयंत चौधरी भी अलग हेलीकॉप्टर से आएंगे। वहीं जनसभा स्थल पर सारी तैयारियां पूर्ण होने के साथ ही लोगों के आने का क्रम शुरू होने लगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवशीष शर्मा के साथ मयंक शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। कायमगंज फरुखाबाद में डॉक्टर महेंद्र गुप्ता आज हनुमान जयंती पर विशेष शुभ नक्षत्र चित्रा और गजकेसरी योग में हनुमान जी का अवतरण दिवस हिंदू जागरण मंच द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं शुभ योगों के कारण हनुमान जयंती विशेष फलदायी मानी जा रही है। वहीं आज हिंदू जागरण मंच कायमगंज द्वारा चौथी विशाल हनुमान जन्मोत्सव यात्रा का शुभारम्भ स्थान गमा देवी मंदिर में सुबह भव्य शोभा यात्रा के साथ किया गया। भव्य शोभा यात्रा का पूजन प्रमुख समाज सेवी व नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र गुप्ता व उनकी पत्नी मोनिका गुप्ता ने पूजन कर किया एवं शोभा यात्रा को झंडी दिखाई।
उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इसी दिन हनुमान जी ने मां अंजनी की कोख से जन्म लिया था। उनके धरती पर आने का लक्ष्य बुराई व अधर्म को समाप्त करना था। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार थे। इस दिन विशेष रूप से की गई हनुमान साधना रोग सुखों दुखों को मिटाकर विशेष फल प्रदान करती है। वहीं विगत कई दिनों से हिंदू जागरण मंच कायमगंज भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां कर रहा था। शोभा यात्रा में भारी भीड़ को देखकर आयोजक प्रसन्न हो गए। इस अवसर पर यात्रा संयोजक प्रदीप सक्सेना, व्यवस्था प्रमुख पंकज गुप्ता, अनूप चौबे, मनु रस्तोगी, डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, अजय गुप्ता, पिंटू गुप्ता, सनी गुप्ता, नरेश शर्मा, रामजी कौशल, दीपक शुक्ला, मुकेश दुबे, कई लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट, कायमगंज, फरुखाबाद। कानपुर में धमाके के साथ दो हिस्सों में बटी पूर्वा एक्सप्रेस मच गई चीख पुकार, वहीं 100 से अधिक लोग घायल। हावड़ा से नई दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे कानपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर रोमा कस्बे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पता चला कि ट्रेन के दो हिस्सों में बटने के बाद बेपटरी हो गई, वहीं 9 डिब्बे पलटने की सूचना मिली। इसे 8 एसी कोच और पैंट्री कार थे, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि रात 2:30 बजे जिलाधिकारी, एसएसपी, 30 एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस पहुंच चुकी थी और राहत बचाव कार्य शुरू हो गया था। वहीं घायलों को काशीराम ट्रामा सेंटर और हैलट अस्पताल भेजा जा रहा है। पूर्वा एक्सप्रेस हावड़ा से दिल्ली जाती है। ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतरे, जिसमें 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचा रही पुलिस, रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। वहीं मौके पर राहत बचाव कार्य में पुलिस व टीमें जुटी हुई हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में इस समय लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, जिसको लेकर जनता वोटिंग के लिए काफी उत्सुक दिखाई दे रही है। लेकिन हम आपको कुछ आंकड़े पेश करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर हम आकलन करने जा रहे हैं कि आखिरकार इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है। आपको मैं पूर्व में हुए महापौर चुनाव में लेकर चलती हूँ, जिसमे उस समय भाजपा के महापौर प्रत्याशी को आपके प्रत्याशी की तरह डमी बताया जाता था और उन्हें हारा हुआ प्रत्याशी कहा जाता था। लेकिन नगर विधायक मनीष असीजा ने जी तोड़ मेहनत करके हारे हुए प्रत्याशी को जिताने का काम किया। वहीं ताबड़तोड़ सभाएं की, जनसंपर्क की और इसी तरीके का जनसंपर्क और जनसभाएं आज लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रही हैं। वहीं लोकसभा प्रत्याशी चंद्र सिंह जादौन के लिए शहर में नगर विधायक मनीष असीजा पूरे जोर शोर से लगे हुए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अजीम भाई, जो कि महापौर इलेक्शन में सपा से दूरी बनाते हुए AIMM के प्रत्याशी नौशाद अली सिद्दीकी को समर्थन देते हैं। साथ ही नालबंद चौराहे पर हुई सभा, जिसमें अपार जनसमूह उमड़ा तथा इस सभा के बाद राजनीति ने एक बार फिर करवट ली तथा अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण मुन्ना को करारी हार झेलनी पड़ी। वहीं भाजपा प्रत्याशी को जीत मिली तथा अजीम भाई द्वारा समर्थित नौशाद अली सिद्दीकी को दूसरा स्थान मिला। ऐसे में इस समय क्या होंगे चुनावी समीकरण, इस पर भी विचार कर लेते हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव में विधायक अजीम भाई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस समय वह प्रसपा के लिए जिला अध्यक्ष है तथा प्रसपा के राष्ट्रीय एवं लोकसभा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव को जिताने के लिए ताबड़तोड़ सभाएं व जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या वास्तव में एक बार फिर महापौर चुनाव की तरह वोटों में कितना ध्रुवीकरण या कर पाते हैं, या तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्र सिंह जादौन का, जिन्हें डमी प्रत्याशी कहा जा रहा था, लेकिन भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारा प्रत्याशी डमी नहीं है, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, जिसके लिए विधानसभा वाइज रणनीति तैयार हुई और फिरोजाबाद विधानसभा का जिम्मा संभाला हर बार की तरह विधायक मनीष असीजा ने, जिनकी मेहनत का असर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है। हमने गांव क्षेत्र में, शहरी इलाकों में जनता के दिल का हाल जाना कि इस बार वह लोकसभा के चुनाव में किसको वोट देने जा रहे हैं, तो साफ तौर पर ज्यादातर जनता ऐसी मिली जिससे हमने सवाल किया कि भाजपा के प्रत्याशी को कोई जनता नहीं है, तो साफ तौर पर जनता का कहना था कि इस बार वोट नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है, हमें प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं, हम तो केवल मोदी जी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी, क्या इस बार मोदी लहर अपना जलवा दिखाएगी, क्या वास्तव में यह वोटों में तब्दील होगा। अगर ऐसा हुआ तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस बार भी विरोधियों को हाथ मलने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्या होगा चुनावी नतीजा, क्या होगा चुनावी समीकरण, कौन मारेगा फिरोजाबाद से बाजी, कौन बनेगा सांसद, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, या तो 23 मई को जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे उसके बाद ही क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट है कि इस समय फिरोजाबाद में एक तरफ जहां चाचा शिवपाल, भतीजे अक्षय यादव में वर्चस्व की जंग है, वहीं दोनों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से चंद्र सिंह जादौन मैदान में है। वहीं स्थानीय होने के कारण जनता का प्यार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चाचा शिवपाल अपनी चाबी सपा की साइकिल में लगा पाएंगे। ये तो साइकिल का अस्तित्व स्वयं सपा ने ही मिटा दिया, क्योंकि जिस दिन समाजवादियों ने बसपा से गठजोड़ किया था उसी दिन यह स्पष्ट हो गया था कि अब समाजवादी हाथी की सवारी करेंगे, जो कि एक विलासिता का प्रतीक है, जबकि साइकिल सच्ची समाजवादी थी। सपा के गढ़ जनपद फिरोजाबाद में कौन मारेगा बाजी या तो 23 मई को मालूम होगा, लेकिन फिलहाल यह तो तयशुदा समझा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने स्वयं समाजवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवशीष शर्मा के साथ मयंक शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। मध्य प्रदेश के बलदेवगढ़ में हनुमान का जन्मोत्सव नगर में भव्य तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर हनुमान मंदिरों में विशेष आयोजन हुए। वहीं दिन भर चले धार्मिक आयोजनों से माहौल धर्ममय हो गया और नगर में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर छप्पन भोग तो कहीं सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। वहीं चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार 19 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े उल्लास के साथ संकट मोचन हनुमान का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें जयंती पर दोपहर 3 बजे से शोभा यात्रा चोपरा मोहल्ले से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा गाजे बाजे, बग्गी घोड़ा, बजरंग अखाड़ा, लोक नृत्य पार्टियों के साथ निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। शोभा यात्रा का समापन स्टैंड परिसर से 7:30 पर महाआरती के बाद मदनवीर हनुमान मंदिर किया गया, जिसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। वहीं नगर साज सज्जा लाइटों से जगमगा देख लोग आनंदमय हो उठे। रामरथ और बजरंग अखाड़ा जन्मोत्सव शोभा यात्रा के दौरान रामरथ ने शोभा यात्रा को और अग्रभवी बनाया, जिससे लोग आकर्षित हुए। वहीं बजरंग अखाड़ा दल के दौरान हर तजुर्बे के करतब दिखाए गए। जगह जगह बच्चों के द्वारा अखाड़ा खेला गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शाहीन निशा सिद्दीकी की रिपोर्ट, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।